एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, ओम शांति। सेहत की बात के बिल्कुल ताज़े संस्करण के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं गॉडलीवुड की अनूठी पेशकश, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेहत की, हेल्थ की। सेहत के मायने हमने स्टार्ट में बताया था आपको, बिल्कुल शुरुआत जब हमने की थी इस प्रोग्राम की तब हमने आपको बताया था कि सेहत की परिभाषा सबकी अपनी अपनी रहती है। कुछ लोग शरीर को लेकर के बहुत सजग रहते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ सेहत वहाँ तक रहती है, लेकिन उनके जहन में चिंताएँ हमेशा घर करके रहती हैं, तो वो सेहतमंद बिल्कुल भी नहीं है। हमने उस बात को भी साफ़ किया था। उसके बाद फिर हम शरीर की तरफ आए थे। शरीर पे से हमने फिर दो हिस्सों में डॉक्टर साहब ने बांट दिया था कि मन की सेहत, तन की सेहत, इसके ऊपर चर्चा लगातार चल रही है और तन के शरीर के ऊपर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने श्वसन तंत्र पर बात को बढ़ाई थी आगे और उसके बाद फिर हमने दिल तक बात को लेकर गए थे। हालांकि पूरा प्रोग्राम लोगों के दिलों तक पहुंचा हुआ है, लेकिन जहां तक ऑर्गन की बात थी तो वो दिल तक हमने बात ख़त्म की थी। आज हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं? दिल जो है हमारा, जैसे दिल पर लास्ट टाइम बात हुई, तो दिल तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जी, बॉडी का सबसे एक मतलब बहुत ही इंजन कहें या सेंट्रल कार्बोरेटर कहें कार का, ना तो दिल तो जैसे एक हमारी जीवन ही है, दिल से हमारा जीवन है। बस मैं यही एक बात कहना चाहूँ दिल के बारे में लास्ट में, कि दिल का कनेक्शन हमारे भावनाओं से, विचारों से है, और अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं और वो फास्ट हैं, नेगेटिव फास्ट होते हैं, और उससे हमें हार्ट की, हार्ट को आराम करने का समय कम मिलता है, धड़कन फास्ट हो जाती है, और वही एक अर्लियर साइन है कि हमें हार्ट की बीमारी शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, हार्ट की मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, दिल में धड़कन, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, है ना। तो ये सब बीमारियाँ की शुरुआत है। इसलिए चेक कर लें हमारे दर्शक कि आप उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, मन में क्या है, और इस दिल को क्या हो रहा है। तो हर बार सोचने से पहले, फिर मैं बार बार ये आपसे बोलता हूँ, थिंक बिफोर यू थिंक। हर विचार का असर आपके दिल पे ना पड़े, आपके शरीर पर ना पड़े, हो नहीं सकता है। आज हम आपसे बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के सिस्टम के बारे में, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, जिसे हम कहते हैं हम जो खाते हैं, है ना, वो उसका असर वो सारी बॉडी को नरिश करता है। पेट की आज हम बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में बात कहूँ तो हम पेट की बात कहते हैं, कहते हैं पापी पेट का सवाल, आज सब इंसान पेट के लिए ही सब कार्य करते हैं। अब वैसे आज अगर देखा जाए तो इन एवरेज जो है सबसे ज़्यादा अगर बीमारियों में लोग जकड़े हुए हैं तो वो पेट की बीमारियों से जकड़े हुए हैं, फिर वो चाहे हाइब्रिड जो खा रहे हों, जो हमारा जो खान पान बदला है, हमारी जो जीवन शैली बदली है, चाहे उसका परिणाम हो वो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पेट की बीमारियों में जकड़े हुए हैं। तो पेट जो है हमारा, अगर हम इसको देखें तो हमारे एक तो मुख है जी, मुख में हमारा जो हम खाना चबाते हैं और खाना चबाने के बाद उसके छोटे पीसेस होते हैं हमारे खाने में। आप डाइट की क्लास में आगे सुनेंगे, डाइट भोजन पर जो क्लास होगी, जो हमारा सात्विक और संतुलित आहार पर एक क्लास रहेगी, तो उसमें आप सुनेंगे कि कैसे हमारा जो है, जो हमारे खाने में जो उसके छः कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी जी, तो जब हम खाने को चबाते हैं तो लार के साथ मिल करके वो आगे पहुँचता है और उससे वो उसका काफ़ी डाइजेशन तो मुँह में ही हो जाता है मिलने से और चबाने से, और उसके बाद वो इसोफेगस, हमारी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी इसोफेगस है, ये हम ऊपर मुख के द्वारा फिर वो आगे इसोफेगस में जाता है। खाने के नाले के पीछे ही इसोफेगस रहती है, इसे हम ग्रास नलिका कहते हैं, और वो फिर जाकर के स्टोमक, नीचे देख रहे हैं आप स्टोमक है जी, वो स्टोमक जिसे हम पेट कहते हैं, आम भाषा में जैसे कहते हैं पेट कहा जाता है, पेट पूरा आंत को नहीं कहा जाता है, पेट सिर्फ स्टोमक को कहा जाता है।
तो हमारे दर्शक ये भी पहचाने कि पेट खाली ये सारा पेट नहीं कहलाता है, स्टोमक को ही पेट कहते हैं, उसमें खाना जो है पहुँचता है, फिर वहाँ से एसिड निकलता है स्टोमक इसके ऊपर से। और मैं आपको ये बताऊँ, इसोफेगस जहाँ है या ग्रासनली का, और उसके पेट के जंक्शन पे एक वाल्व रहता है जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं जी। वो समय पर जैसे खाना ऊपर से नीचे आता है तो वो वाल्व खुलता है और खाना नीचे पहुँचता है। खाना नीचे पहुँचने के बाद वो वाल्व वापस बंद हो जाता है, फिर पेट से एसिड निकलता है। स्टोमक में जो फंडस देख रहे हैं आप, जो इस एरिया से एसिड निकलता है, और एसिड निकलने के बाद और एंजाइम्स निकलते हैं, पेप्सिन और दूसरे एंजाइम्स निकलते हैं, और वो फिर खाने पे 3 घंटा असर करते हैं। 3 घंटा पेट में खाना रहता है, सारे पेट में खाना 3 घंटा नहीं रहता है, यहाँ इस पेट में खाना 3 घंटा रहता है जो आपके बाईं तरफ है स्टोमक, तो इसमें खाना पचता है। फिर आगे फिर आगे इसके पार्ट पर छोटी आँच शुरू होती है, उसको हम ड्यूओडेनम कहते हैं। ड्यूओडेनम देख रहे हैं आप जी, ड्यूओडेनम जो है, ड्यूओडेनम में दो बातें, ड्यूओडेनम सेकेंड पार्ट में लीवर, जो राइट साइड में लीवर है हमारा, वो लीवर से फिर वो जो लीवर का जूस बनाता है, इसे पित्त कहते हैं, बाइल कहते हैं, वो पित्त इस दो नली, इस नली के द्वारा आंत के सेकेंड पार्ट में, ड्यूओडेनम के सेकेंड पार्ट में आता है। उसमें जो है ऐसे केमिकल्स आते हैं, जो ऐसे 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 जूसेज और एंजाइम्स आते हैं जो कि खाने को फर्दर पचाने में काम आते हैं। तो कुछ खाना पेट में स्टमक में पच गया, कुछ खाना फिर जो है हमारा कहाँ पचा, हमारा जो है ड्यूओडेनम में पचा, जो जूसेज लीवर से आए, लीवर के पित्त ने भी खाना पचाया। स्पेशली जो फैट्स हम खाते हैं उसको वो पित्त पचाने में बहुत सहायक रहता है। और उसके बाद जो है फिर देखें आप थोड़ा नीचे आते हैं तो नीचे पेनक्रियाज है, ड्यूओडेनम की जो उसमें देख रहे हैं आप, आगे पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज से पूरे जूसेस वो जो किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, हमारे आंत में आ रहे हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। तो उसमें जो है प्रोटीन पचाने के लिए और कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए और कई कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं, और वो एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस में रहते हैं, और वो एंजाइम आकर के फिर इसमें इसको आगे पचाते हैं। और फिर आंतों से भी, ड्यूओडेनम से भी अपने जूसेस, जेजुनम, फिर अगला पार्ट जेजुनम, जेजुनम है फिर लास्ट में आएगा हम, तो फिर वहाँ भी ये पार्ट जो है खाना आगे पचने के लिए जूसेस इंटेस्टाइन से भी निकलते रहते हैं। ओके इंटेस्टाइनल जूसेस, तो उसके लिए एक पीएच होती है, स्पेशल पीएच होती है। पीएच माना नॉर्मली पीएच हमारी 7 होनी चाहिए, न्यूट्रल पीएच है 7, है ना। तो हमारा जो ब्लड की भी उसकी भी जो एंजाइम्स ये खाना पचाएं, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनाना है, फैट को तोड़ के फैटी एसिड बनाना है, प्रोटीन को तोड़ के उसकी अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ना अगर लेबोरेटरी में तोड़े तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि तो हमारी बॉडी को 37 पे ही तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, उसके लिए पीएच चाहिए, वही स्पेशल पीएच चाहिए, वही स्पेशल वातावरण चाहिए, वो स्पेशल जूसेस चाहिए। तो अगर आपने बहुत टू मच एसिडिक खा लेते हैं, टू मच अल्कलाइन खा, जैसे हम लोग मुँह के टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, अगर वो ऐसा खाते हैं तो हमारा फिर ये खाना पाके पचता नहीं है। क्या चीज़ किस समय खानी चाहिए, इसका बहुत महत्व है, कैसे खानी चाहिए, किस समय खानी चाहिए, तो वो उसके हिसाब से आगे पचेगा, और पच के फिर वो आगे ब्रेक होता रहता है, और फिर आइलियम में जाकर खाना एब्जॉर्ब होता है। मोस्ट जो सारी चीज़ें हैं आदि आइलियम में, नीचे वाले पार्ट में, और वहाँ भी रिसेप्टर्स लगे रहते हैं कि सपोज आपने खा तो लिया, ये जो है आंतें देख रहे हैं, ये जैसे से एक मार्केट की तरह से है, आपने चीज़ खाई और खाने के बाद चीज़ आगे गई और वो उसके ब्रेक हुआ आगे वो सप्लाई, अब नाउ दिस इज़ रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। अभी जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं कि तो आपको, आप बाज़ार में जाते हैं, आपको सिर्फ कितना चाहिए, बाज़ार में तो 1000 किलो गोभी आती है बिकने के लिए, पर आपके घर में कितनी लगती है, 0.5 किलो लगती है, तो आप 0.5 किलो खरीदेंगे ना जी, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी लगती है। ये नहीं कि आपने घी खाया 50 ग्राम, आपने बटर खा लिया, मक्खन खा लिया 50 ग्राम, तो आते कितना एब्जॉर्ब करेंगे, और बॉडी को सिर्फ 0.5 ग्राम चाहिए, आपने खाया 50 ग्राम और बॉडी को कितना चाहिए, 0.5 ग्राम सिर्फ, तो 50 ग्राम थोड़ी ना एब्जॉर्ब करेंगे, वो सिर्फ 0.5 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, उसको ब्रेक करके आते 50 ग्राम को उसने ब्रेक किया बॉडी ने, इतने एंजाइम लगा के, इतने पित्त के द्वारा और सब चीज़, क्योंकि तो 50 में सिर्फ 0.5 ग्राम ही एब्जॉर्ब होना, 0.5 ग्राम ही खरीदा जाएगा। डॉक्टर साहब आपने बोला था कि वंडरफुल बॉडी है, और सच में वंडरफुल बॉडी है। देखिए हम खाने के लिए कुछ भी खा लेते हैं, बहुत सारी पसंद की चीज़ें होती हैं, हमारी जीव के हिसाब से स्वाद, हमारा जीव लपलपाती है कई बार, तो हम खाने को खा लेते हैं, लेकिन बॉडी को कितना पूरा एक सिस्टम को तैयार करना पड़ता है, और तब जाकर के वो हजम होता है, और तब जाकर के बॉडी को जितनी चीज़ें चाहिए वो लगती हैं, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें, फिर वहीं से बीमारियाँ शुरू होती हैं, वहीं से। बिल्कुल, तो 50 ग्राम जैसे मैं बताया उसमें से खाने से, तो उसको 50 उसको 500 मिलीग्राम भी उसको खरीदना है, प्रोसेस है उसका, वो रिसेप्टर सेंस करेंगे कि आज इतनी डिमांड है, उस डिमांड के साथ वो एब्जॉर्ब होगा,
तो जो 49.5 ग्राम है वो बाहर आगे जाएगा, बेकार, यूजलेस, वो आंतों में फिर बड़ी आंत से होता है, बाहर निकल जाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आधा ग्राम भी अगर ये पियो तो रिसेप्टर्स भी ख़राब हम कर लेते हैं जब मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं जी, पत्तरी चीज़ें खाते हैं, जैसे ट्रांस फैट्स कहते हैं ना, जंक फूड खाते हैं, जंक फूड, बासी बासी खाना खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, ये चाउमीन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जैम्स खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे खाने खाने से वो क्या, ये विलाई देख रहे हैं आप, आंतों में विलाई होती जी, है जी जी जी, आंतों में विलाई होती है, जैसे जैसे आरी के दांते होते हैं ऐसे ही आंतों में दांते लगे होते हैं। कहा जाता है रादर इसके बारे में ये है कि आंते ऐसे तो 24 फुट लंबी हैं कि तो ये दांते अगर खोल दिए जाएँ तो इतनी लंबाई हो जाएगी आंतों की यहाँ से चांद तक की दूरी तय हो जाएगी। ओहो, इतने बड़े सरफेस पे ये खाना पचता है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो वंडरफुल रचना है परमात्मा की, क्या कहें, ऐसा ऐसी चीज़ बनाई है जिसको कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसका कनेक्शन, तो ये जो है इसका जो ये हार्मोन्स, तो हम अगर हमने ये इनको ब्लॉक कर दिया हाथों के बीच में, इसमें गंदगी फंस गई विलाई के बीच में, मैदा की चीज़ चिपक गई, चीनी से बनी चीज़ चिपक गई, अब रिसेप्टर ख़त्म हो गए, काम करना बंद हो गए, क्योंकि रिसेप्टर बिल्कुल टिप, देखिए डीपर उसमें लगे हुए हैं, विलाई के बिल्कुल नीचे लगे हैं, नीचे वाले पार्ट जी, तो वो रिसेप्टर काम करना बंद कर दिया, तो आपने खाया स्वाद के कारण और क्या किया, आपने सिस्टम्स को बंद कर दिया। अब उस आधा 50 ग्राम में, आज तो कोई देसी खाता ही नहीं है, बटर खाता ही नहीं है, 10 ग्राम तेल खाते हैं, 10 ग्राम में से 5 ग्राम भी अगर एब्जॉर्व हो गया, रिसेप्टर ने काम नहीं किया तो 5 ग्राम में एब्जॉर्व होगा ना, 5 ग्राम तो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, वो सारी आर्टरीज बंद हो जाएंगी। तो आज 5 ग्राम भी तेल हम खाएं तो वो भी अगर वो भी एब्जॉर्व हो जाए तो वो भी ख़राब है, तो हमारे रिसेप्टर्स जो ख़राब होने का कारण है हमारा गलत खान पान। तो इसलिए खाने से पहले सोचें हमारे दर्शक कि हम क्या खा रहे हैं, जस्ट का थिंक बिफोर यू थिंक, तो सोचने से खाने से पहले भी सोचें कि कहीं जाके हमारे हमारी जो माइक्रोविलाई जहाँ रिसेप्टर्स लगे हैं, GI रिसेप्टर्स हैं, उनको ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, चिपका तो बंद तो नहीं कर रहे हैं, उसके सेंसेशन उसके सेंस को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और है इसको असर कर, टेंशन, तनाव, तनाव, गुस्सा करना, चिंता करना, चिंता सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है आंतों के लिए, क्योंकि आंतों का कनेक्शन खुशी से रहता है, कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, अगर आप खुश हैं तो खाना ठीक पचेगा, खुश नहीं है तो खाना नहीं पचेगा, चिंता है, डर है, तो खाना पचेगा ही नहीं, क्योंकि रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी लगती है उसको, तो मैसेज आता है सब कुछ खरीद लो, ऊपर से मैसेज आता है दिमाग ब्रेन से जाता है सब कुछ ले लो, मार्केट में खतरा होता है, क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं, लड़ाई हो रही है तो हम महंगे रेट पे भी चीज़ खरीदते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो स्टोर कर लेते हैं, तो वही बॉडी फिर स्टोर करती है। सबसे बड़ा कारण ये है आज मोटापे का, कि हम जो है वो जब मन में टेंशन रहती है, चिंता रहती है, गुस्सा आता है, बात बात में उदासी आती है, तो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मूड डिसाइड्स अवर फूड, हम ज़्यादा उस तरह का खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, मीठा खाते हैं, और वो फिर जो है फूड जो है वहाँ पर जाके ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्व हो जाता है, क्योंकि मैसेज आया हुआ ऊपर से रिसेप्टर्स को कि खरीद लो जो भी रेट में मिल रहा है खरीद लो, है ना, उसमें हम ज़्यादा एनर्जी लगा के खरीद लेते हैं, और वो फिर उसको डिपॉजिट सारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है, क्योंकि फैट ही स्टोरेज की चीज़ है, ग्लूकोज स्टोरेज की चीज़ नहीं है, प्रोटीन स्टोरेज की चीज़ नहीं है, तो फैट ही फिर फैट ही एब्जॉर्व होगा आउट द होल थिंग। डिमांड जैसे बाज़ार में आप जा रहे हैं, अचानक बम अनाउंस हो गया, हमारे किसी देश से लड़ाई होगी पड़ोसी देश से, तो आप बाज़ार से 50 किलो 10 किलो आप भिंडी नहीं खरीद के लाएंगे, गोभी नहीं खरीद के लाएंगे, आप 10 किलो आलू खरीद के लाएंगे ताकि आपका महीना निकल जाए, दालें खरीद जो लंबा समय चलेंगी जी, तो फैट जो है लंबा समय बॉडी में एनर्जी का सोर्स है, तो हम इनसिक्योर रोज रहते हैं, डर रोज रहता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, रोल कॉन्शियस रहते हैं, मटेरियल कॉन्शियस रहते हैं, सोल कॉन्शियस होने की बजाय, उसकी वजह से फिर हम रोज़ ज़्यादा खाते हैं, स्वाद के वश खाते हैं, और ऐसा खाते हैं जो न समझ जो हमारी आंतों में जम जाता है, और उससे फिर गैसेस बनती हैं। आज हमारे भाई बहनों को बहुत मुझे हॉस्पिटल में आते हैं, मिलते हैं, भाई सर डॉक्टर साहब हमको बहुत गैस बनती है पेट में, बहुत गैस में कब्जी रहती है ना, गैस और कब्जी जो हर समय पेट में एक आम हो गई है, आम बात है, इंडाइजेशन, इससे इंडाइजेशन भी कहते हैं लोग, तो सारे हमारी सारी शरीर में गैस चढ़ जाती है, गैस फैल, सिर में दर्द होता रहता है, है ना, चिड़चिड़ापन रहता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, वो सब कारण यही है, खाते समय हम सोचते रहे हम क्या खा रहे हैं, तो हमें ध्यान रहे
कि हम क्या खा रहे हैं, खाने से पहले सोच लें क्या ये खाना मुझे मुझे ज़रूरी है, तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है। इस पर आहार पर तो हम ज़रूर 2-3 एपिसोड बिल्कुल करेंगे, क्योंकि डाइट पर बताना बहुत ज़रूरी है कि कब क्या खाया जाए, कितना खाया जाए, इस पर बात ज़रूर करेंगे। वो सात्विक आहार हो, कौन सा आहार हो, उस पर ज़रूर बात करेंगे। हम दर्शकों से यहाँ पर दर्शकों को बता दें अपनी तरफ से कि हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको हम खाने से रोकें। हम नहीं, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी आप जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, लेकिन हम इस तरफ ज़रूर इशारा करना चाहेंगे कि ये चीज़ें सीधे तौर पर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बोला कि सोचने से पहले सोचिए, उसी तरह से जिस तरह से कि भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए किसी को, क्योंकि किसी और की हेल्थ आपके बोलने से ख़राब हो सकती है, उसी तरह से कुछ और सोचने से आपके मन पर उसका असर हो सकता है। तो खाने से पहले भी सोचिए कि आपको क्या खाना है। डॉक्टर साहब, मैं सही बोल रहा हूँ? जैसे आपने कहा कि आप जंक फूड हम खाने से रोक नहीं रहे हैं, किंतु मैं कहूँगा कि जंक फूड और फास्ट फूड्स एज ए डॉक्टर मैं आपको एडवाइस करूँ कभी ना खाएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो सब अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारा शरीर, हमारी कार है, और जो कुछ हम खाते हैं, जैसे हम अच्छे अपनी कार में पेट्रोल डालते हैं या अपनी कार में डीजल डालते हैं, तो वही डालते हैं, कभी उसमें चाय नहीं डालते हैं या कभी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं डालते हैं। तो हमें देखना है कि हमें इसमें क्या डालना है। हम माइलेज का ध्यान रखें, नहीं तो हमारी गाड़ी माइलेज नहीं देगी, है ना। थोड़ी देर में आवाज़ करेगी और धुआं देगी, आवाज़ देगी धुआं, यही आज ज़्यादा इंसान के साथ हो रहा है। जी जी जी, हमारा पेट आवाज़ करता है और धुआं देता है। डॉक्टर साहब, फ्रेश जूस तो लोग बहुत प्रेफर कर भी करते हैं और बोलते हैं कि भाई एडवाइस भी करते हैं कि फ्रेश जूस पीना चाहिए, लेकिन आजकल पैक्ड जूस। मैं यहाँ एक आपसे रेफर करना चाहूँगा कि जूसेस पीना ठीक नहीं है। जूसेस पीने के बजाय आप फ्रूट्स खाएँ, क्योंकि जूस और जूस में एक फ्रूट में दोनों चीज़ें हैं, जूस भी है और फाइबर भी है। जी जी, तो हमें फाइबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जूस से ज़्यादा। तो फाइबर जो है, इसलिए कहा लो फैट हाई फाइबर डाइट, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट है ना। तो ये जो है, हमें इसका महत्व ध्यान रखना चाहिए, और खाने के साथ साथ खुशी खाएं। अगर खुशी नहीं है तो खाना पचेगा नहीं। टेक होम मैसेज यही है मेरा कि आप खाना खाने से पहले सोचें, ये खाना जो मैं खा रहा हूँ क्या मेरी आंतों के लिए उपयोगी है, क्या ये एब्जॉर्ब होगा या नहीं एब्जॉर्ब होगा, इससे मेरे शरीर पर क्या असर होगा, मेरे रिसेप्टर्स तो ख़राब नहीं हो जाएंगे। और दूसरा, खुशी सदा बना के रखें, खुशी कभी ना जाए, कुछ भी हो जाए मेरी खुशी ना जाए, कि खुश है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशी में आप अगर कम सिंपल खाना भी खाएंगे, अति सिंपल, तो वो भी उसका भी हर चीज़ अच्छे से पच के वो आपको ताकत देगा। और नहीं, अगर खुश नहीं है तो खाना वहीं स्टे पड़ा रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, एंजाइम्स हार्मोन्स निकलेंगे नहीं, और खाना ब्रेक नहीं होगा प्रॉपर ढंग से, रिसेप्टर जो बताए वो काम नहीं करेंगे प्रॉपरली, और सब कुछ गलत, सब सिस्टम ख़राब हो जाएगा। यानी मन का जुड़ाव हर जगह है, जिस तरह से आपने जुड़ा कि मन अच्छा है तो आप खाना कैसा भी खाएंगे तो पॉजिटिव असर करेगा, वो ताकत उतनी ही देगा। मैंने एक बात और कही, फिर दोबारा रिमाइंड करा था, मूड डिसाइड्स योर फूड। जी, जैसे फूड खाने से आपका मूड बदलता है, आपको चॉइस की चीज़ मिलती है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी रिसर्च हुई है कि मूड ऑल्सो डिसाइड्स योर फूड, कि कैसा मूड आपका ये देखने में, अगर आप अंदर कड़वाहट महसूस कर रहे हैं तो मीठा खाने को दिल करता है, 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं। जी जी जी, तो मीठा खाने को दिल करता है ना। अगर आप अंदर से बहुत ड्राई महसूस कर रहे हैं तो आपको फ्राइड खाने को दिल करता है, अगर आप अंदर से बहुत बोरिंग महसूस करते हैं तो आपको चटपटा हॉट एंड स्पाइसी खाने को दिल करता है। तो अपने मूड को सदा खुश रखें, तो फिर आप वो खाएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए, शरीर के लिए आवश्यक है, है ना। और जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक अन्न खाना, सात्विक माना वो अन्न खाएं जो सातों गुणों को, आत्मा के 7 गुण जो बताया गया था आपको, आप सुनते हैं जानते हैं कि आत्मा के 7 गुण जो होते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियाँ, तो ऐसा फूड खाएं जो आपकी इस एनर्जी को बढ़ाए, 7 गुणों को बढ़ाने वाला हो। फल हैं, सब्जियाँ हैं, सैलेड्स हैं, है ना, अंकुरित है, दूध है, ये चीज़ें जो आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई गई हैं, है ना, दाल हैं, दालें हैं, ये ज़्यादा खाएँ, चबा चबा के खाएँ तो अच्छे से, तो आपकी, आपका जो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा। यानी फूड जो है हमारे सीधे विचारों को भी प्रभावित करता है, जैसा अन्न वैसा, वैसा मन, क्योंकि फिर जैसे शांति के विचार आएंगे, प्रेम के विचार, खुशी के विचार आएंगे, आनंद के विचार आएंगे, सहन शक्ति पैदा होगी। अगर आपको गैस बन रही है पेट में, बदहजमी हो रही, तो सहन कर सकते हैं आप? नहीं। क्या शांति रहेगी? नहीं, अशांति आएगी ना। तो अगर आप, रासिक फूड क्या होता है,
पराठा पकौड़ा समोसा तली चीज़ें, ये गैस पैदा, ज़्यादा पचते नहीं हैं अंदर, जाके पड़े रहते बहुत लंबा समय, तो गैस पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, तो आपकी एनर्जी नहीं होगी, पचेंगे नहीं तो क्या होगा, थकावट होगी, आपको नींद ज़्यादा आएगी, आलस आएगा, हिंसक प्रवृत्ति अगर पैदा हो रही है, और तामसिक फूड खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, तो ये क्या हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, और उससे फिर क्या होगा, आपके आपके क्या होगा, आपके अंदर वो जो जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया, तो बात बात पर जल्दी आएगी, चिंता आएगी, गुस्सा आएगा, इनसिक्योर महसूस करेंगे, उग्र विचार, तो उग्र विचार आएगा, उत्तेजना पैदा होगी, है ना, तो फिर आपके मन पर असर पड़ेगा वो खाना, क्योंकि हमारा क्या होता है, उसमें से टॉक्सिक पदार्थ ज़्यादा एब्जॉर्व हो जाते हैं और खून में जाके वैसा असर करते हैं, तो इसलिए जो है वो, और क्योंकि आंतों में वो सड़ते हैं तो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, वो टॉक्सिन खून में चले जाते हैं, और फिर आपके अंदर ये टेंशन वाले हार्मोन्स कॉर्टिसोल एपिनेफ्रिन नॉरेपिनेफ्रिन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और उससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इसलिए कहा गया ना जो नॉनवेज खाते हैं उनको आज विदेश में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है भारत से, अच्छा, क्योंकि वो जो है नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो ये जो है इस कारण से ये बात है। और दर्शकों को हम बता दें कि जैसा अन्न वैसा मन, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सुंदरता से बहुत ही खूबसूरती से सारी बातें रखी हैं, खाने का असर बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है, आप खाने को कुछ भी खाएं, कम से कम दूसरे का हक ना खाएं, किसी की रोटी पर से दाल खींच करके ना खाएं, किसी बेवा का अधिकार छीन करके ना खाएं, किसी मासूम की ज़िंदगी को ना खाएं, इन सब चीज़ों से बचेंगे तो एक सामाजिक स्वास्थ्य भी आपका बना रहेगा आपका, और जब सामाजिक स्वास्थ्य यानी एक अच्छा वातावरण बना रहेगा तो निश्चित रूप से आप खुद स्वस्थ रहेंगे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए भी एक स्वस्थ वातावरण आप बनाने में सक्रिय योगदान दे सकेंगे। इस सुंदर से मैसेज के साथ अभी यहीं पर इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी सेहत की बात के साथ, अभी हमने कुछ ऑर्गन्स कवर किए हैं, कुछ और ऑर्गन सिस्टम पर फिर आपसे बात होगी, अभी नमस्कार, ओम शांति।